कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। किस कैरेक्टर में दिखेंगे प्रकाश राज? कैसा है यश और रवीना का रियल लाइफ में रिश्ता? क्या रवीना अपने किरदार से खुश है? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं केजीएफ 3 फिल्म के बारे में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केजीएफ फिल्म के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि ये फिल्म यश की सबसे हिट फिल्मों में से एक है। गाइस, आपको बता दें कि फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाए गए अधीरा के किरदार को छुपा कर रखा गया। इससे पहले के पार्ट में हमें उनके चेहरे को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि केजीएफ 3 में उनके कैरेक्टर को रिवील किया जाएगा या नहीं। टॉकिंग अबाउट यश, तो वो केजीएफ चैप्टर 3 फिल्म में रॉकी के रोल को आगे कंटिन्यू करेंगे। वहीं दूसरी ओर टॉकिंग अबाउट द एक्ट्रेस रवीना टंडन, तो वो फिल्म में रमिका सेन का नेगेटिव रोल करती दिख सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैरेक्टर को प्ले करती दिखाई दे सकती है। रवीना ने बताया कि फिल्म के पिछले प्रीक्वल में उन्हें फिल्म में अपने कैरेक्टर को प्ले करने में काफी मजा आया था। साथ ही साथ शी सेड कि यश के साथ काम करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आया। यश की तारीफ की और बताया कि वो ना सिर्फ एक रॉकिंग स्टार हैं, बल्कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड अपने काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि यश जैसे सुपर टैलेंटेड एक्टर देखने को बहुत कम मिलते हैं। आपको बता दें कि यश और रवीना टंडन काफी फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं। एक बार की बात करें तो टिप टिप बरसा गर्ल ने मजाक में यश को उनकी बीवी के सामने आई लव यू कह दिया था, एंड इसके बाद यश का हाल क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही सकते हो। केजीएफ चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी जैसे कई किरदार नजर आएंगे, और केजीएफ 3 में भी ऐसे चांसेस हैं कि ये किरदार एक बार फिर से देखने को मिले। सुनने में आया है कि प्रकाश राज भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं और वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते दिखाई देंगे। ये फिल्म वैसे तो ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में ही रिलीज की गई थी, लेकिन आपको बता दें कि अच्छी डिमांड की वजह से इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, मलयालम एंड तमिल लैंग्वेजेस में भी डब किया गया था। केजीएफ चैप्टर 1 में जैसा आप सभी ने देखा होगा कि यश के रोल को काफी पसंद किया गया और इस फिल्म में वो गरीबों के मसीहा बन गए थे और उनकी हेल्प भी कर रहे थे। अब गाइस, केजीएफ 2 की बात करें तो उड़ गई लड़की मस्त मस्त सॉन्ग काफी ज्यादा फैंस के बीच में फेमस हुआ था। इस गाने पर हर कोई रील बनाता हुआ या फिर सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा था। बता दें कि केजीएफ 3 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पर केजीएफ 2 की एंड हुई थी। सुनने में आया है कि फिल्म में यूज करने वाले कॉस्ट्यूम्स बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर फिल्म के लोकेशन सेट को फाइनलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप केजीएफ चैप्टर 3 देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही बने रहिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, और हमारी आज की राइटर है दीप नैन।